हे एवरीवन, वेलकम टू स्पलबी। तो पेरिस फैशन वीक 2024 में ऐश्वर्या राय या आलिया भट्ट साथ में देखने मिले। यह आलिया का डेब्यू भी था एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर लोरियल पेरिस। अभी ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो ऐसे ब्रांड्स को इमेंस एक्सपोजर मिलता है। सोचो ऐश्वर्या या आलिया भट्ट नहीं इन्वॉल्व होते तो शायद इंडिया में लोरियल के बारे में ये वीक इतना बात नहीं होता। तो ऐसे सेलिब्रिटी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ना ब्रांड को इमेंस बेनिफिट होता है। पर यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स ये है कि आलिया भट्ट बैक टू बैक ऐसे ब्रांड्स को इंडिया में प्रमोट करी है जिसका फाउंडेशन एनिमल क्रुएल्टी पे बेस्ड है, पहले गुची अब लोरियल। सी आलिया भट्ट जो है वो कोएक्सिस्ट की फाउंडर है, जिसका पेज अगर आप देखोगे तो टॉप पे आपको ये पढ़ने मिलेगा, अ प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय आलिया भट्ट दैट हाईलाइट्स एंड वर्क्स टुवर्ड्स द इश्यूज ऑफ एनिमल एंड इकोलॉजिकल वेलफेयर। कोल्डप्ले का जो कॉन्सर्ट होने वाला है उनसे भी रिलेटेड एक पोस्ट देखने मिला जिसमें लिखा गया था, Coldplay is turning up the volume on sustainability. They have just released their latest sustainability report detailing how they have been cutting their carbon footprint on tour. तो ऐसे कई पोस्ट आपको देखने मिलेंगे जहाँ पे अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, लोगों को प्रेज किया जा रहा है जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो हियर लेट्स अप्रिशिएट आलिया भट्ट फॉर द वर्क शी इज डूइंग। इट इज अमेजिंग दैट शी डिसाइडेड टू टेक दिस अप, वी शुड टोटली एक्नॉलेज दैट। अभी पेरिस फैशन वीक के बाद से ना सोशल मीडिया पे लॉरियल के प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा मार्केट किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जा रहा है जहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि आलिया भट्ट का पेरिस फैशन लुक वो कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं। बट यू नीड टू नो दिस, ये लॉरियल जो है ना वो कम्प्लीटली क्रुएल्टी फ्री ब्रांड नहीं है। दो अंदर वेबसाइट दे क्लेम दैट दे आर, पर दूसरे वेबसाइट्स पे आप चेक करना, उनको एक्सपोज किया गया है कि इनके लैब्स है चाइना में एंड चाइना में एनिमल टेस्टिंग करना पड़ता है। एंड ऐसे लैब्स जो होते हैं ना वो एट टाइम्स दूसरे नाम से होते हैं। Are a lot of problematic companies out there right now that are deceiving and lying to their customers. L'Oreal just happens to take the cake. The whole not tested on animals thing has just become a marketing campaign. When people make excuses, it just blows my mind. I mean, is having a pretty lipstick worth this or this or this? Because it shouldn't be. अभी एनिमल क्रुएल्टी जो होता है टेस्टिंग के दौरान क्या एक्चुअली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नीडेड है? ये सवाल है एक बार आप खुद से पूछना। जस्ट बिकॉज हमें सुंदर दिखना है तो इसके लिए क्या किस पे पेन इन्फ्लिक्ट करने की जरूरत है? एंड ऐसे कई ब्रांड्स रहे हैं जिनको जब कॉल आउट किया गया तब उन्होंने अपना ग्लोबल स्ट्रेटेजी बदला। एंड चाइना में अभी वो अपने प्रोडक्ट सेल नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ज्यादा ये कंसर्न था कि दूसरे कंट्रीज के जो कंज्यूमर्स है वो क्या बोल रहे हैं। पर अभी भी लोरियल जैसे कुछ ब्रांड्स है जो डिसीव कर रहे हैं कस्टमर्स को एंड वेबसाइट पे आधा सच बता रहे हैं। अभी आप बोलोगे कि ये झूठ कैसे बोल पाते हैं? देश है कि वो एनिमल टेस्टिंग नहीं करते, पर अगर रेगुलेशन डिमांड करता है वहाँ पे वो टेस्टिंग करते हैं। अभी चाइना इज इनफेमस फॉर दिस, वहाँ पे बेसिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ही बिना टेस्टिंग के ना सेल किए जा सकते हैं, जैसे नेल पॉलिश वगैरह। बट कई सारे प्रोडक्ट्स है जिसपे रेस्ट्रिक्शंस है एंड लॉरियल को इस वजह से ऑब्वियसली चाइना के लैब्स वाया टेस्टिंग करना पड़ता है। इसी वजह से पीटर से उनको क्रुएल्टी फ्री होने का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो जनरली इस तरह टेक्निकलिटी पे वो खेलते हैं, बट ये तो फिर डिसीविंग हुआ ना। अगर आप फुल्ली कमिटेड नहीं हो तो डोंट यूज दिस वर्ड क्रुएल्टी फ्री, बिकॉज फिर वो दूसरे कंपनीज के लिए अनफेयर होगा जो डेडिकेशन के साथ ये पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं एंड चाइना के मार्केट से प्रॉफिट नहीं कर रहे। चलो लोरियल के केस में ये भी बोला जा सकता है दैट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू चेंज, बट गुची इज अ ब्रांड जो बहुत ज्यादा डायमंड दिख रहा है, अपनी पॉलिसीज चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। जानवरों पे वो डेली पेन इन्फ्लिक्ट करते हैं जस्ट सो दैट वो उनका स्किन ले पाए। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वाई आलिया भट्ट इज प्रमोटिंग देम हियर। प्लस इवन आलिया भट्ट को भी एक बार कॉल आउट किया गया था फॉर यूजिंग अ बैग जो काफ स्किन से बनाया गया था। यहाँ पे आप वो पोस्ट देख सकते हो। जस्ट बिकॉज हमारे देश में टेस्टिंग नहीं होता डजंट मीन ग्लोबली दे फॉलो सेम प्रैक्टिसेस। देन इवन दे वर कॉट लाइंग अबाउट मेकिंग वीगन प्रोडक्ट्स। उन्होंने अपने एक प्रोडक्ट पे ना वीगन करके क्लेम कर दिया था पर इट वॉज नॉट वीगन एंड काफी स्मार्टली ना अपने पैकेजिंग के दौरान उन्होंने आगे एस्ट्रिक मार दिया था, जैसे कोई ऑफर के दौरान डालते हैं ना छोटा सा एस्ट्रिक कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगे, वैसा कुछ यहाँ पे भी उन्होंने किया। अभी ये जो लोरियल का वीगन कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था वो नहीं होता अगर लोरियल ऐसे अपने कस्टमर्स को डिसीव करने का ट्राई नहीं करता। अगर आपके प्रोडक्ट्स वीगन नहीं है तो आपको प्रिंट करने की जरूरत क्या है, बिकॉज एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स इसमें है। एंड कभी भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट देखना है कि ये क्रुएल्टी फ्री है कि नहीं तो इंटरनेट पे व्हेन यू सर्च ना देन डोंट डायरेक्टली गो टू द ब्रांड्स वेबसाइट, वहाँ पे अटेम्प्ट्स वो झूठ लिखते हैं, टेक्निकलिटी पे वो खेलते हैं। दूसरा एनिमल वेलफेयर वेबसाइट पे देखना। अभी आलिया भट्ट जैसे सेलिब्रिटीज ऑब्वियसली इसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर होने का अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं सकते बिकॉज दे नो कि इफ दे ड्रॉप सच ब्रांड्स कोई और सेलेब उनके साथ काम करेगा। तो नॉट हेटिंग देम फॉर रिप्रेजेंटिंग सच ब्रांड्स बट इंटेंशन हियर इज टू रेज सच पॉइंट्स सो दैट डाउन द लाइन कुछ साल बाद चेंज देखने मिले। सेलिब्रिटीज जो है ना क्रेडिबल होने का ट्राई करे, अपने ब्रांड वैल्यू पे वर्क करे, क्योंकि ऐसे सेलिब्रिटीज ना इमेंस एक्सपोजर ब्रांड्स को देने वाले रहते हैं तो वो तो इसके बारे में अच्छा ही बोलेंगे। देन जो फ्लॉज देन ऐसे डिसीविंग टैक्टिक्स है इसके बारे में कौन बात करेगा? सच पॉइंट्स नीड टू बी पुट फोर्थ सो दैट लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाए।
हेंस इस पे बात हो रहा है। अब इसी रिच एंड प्रिविलेज लोग ना हमेशा सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, पॉल्यूशन कम करने के बारे में बात करते हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड देखा जाए तो मिडिल क्लास लोग ऑब्वियसली डे टू डे लाइफ में ये सब करते हैं। दे यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दे अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक स्ट्रॉस एंड जितना हो सके दे डू इट। पर जो ऐसे ब्रांड्स होते हैं, लग्जरी हाउसेस होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो देखा जाए तो मेजरली ना अननेसेसरी पोल्यूशन फैलाते हैं एंड क्रुएल्टी करते हैं। इनके कॉन्स्टेंट फॉरेन ट्रिप्स हो गए, प्राइवेट जेट्स हो गया, रियल लेदर के प्रोडक्ट्स इनको खरीदने रहते हैं, या इनका कोई फेवरेट केक होता है तो दूसरे कंट्री से वो आता है। केक दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद इन लंदन फ्रॉम सो ही फ्लू द केक डाउन फ्रॉम लंदन टू बल्गेरिया। या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनको चाहिए तो अपने असिस्टेंट को दूसरे कंट्री में भेज के वो लाया जाता है। ये सब भी होता है सेलिब्रिटीज के केस में, बट तब इन्हें पोल्यूशन सस्टेनेबिलिटी का ख्याल नहीं आता। क्यों कभी किसने ऐसे ब्रांड्स या लग्जरी हाउसेस को स्कूल करने का ट्राई नहीं किया? आप कॉल आउट करो ऐसे ब्रांड्स को, ऑब्वियसली ऑडियंस आपको सपोर्ट देगी। यू आर अ सेलिब्रिटी, यू हैव द पावर टू डू दैट। इमेजिन द हेडलाइन जो मीडिया में देखने मिलता अगर आलिया भट्ट एक स्टैंड लेती तो, कि आलिया भट्ट टर्न डाउन गुची या लॉरियल फॉर द अनएथिकल प्रैक्टिसेस और फॉर एनिमल क्रुएल्टी। उनको लेफ्ट राइट सेंटर प्रेज किया जाता एंड ऑब्वियसली उसके बाद जो भी सेलिब्रिटी इस ब्रांड के साथ काम करती उनका ब्रांड वैल्यू जो है ना अफेक्ट करता। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप लोगों को अकाउंटेबल होल्ड करते हो तो बड़े फेमस जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना वो दो बार एट टाइम्स ब्रांड के साथ जुड़ने से पहले सोचते हैं। जैसे अक्षय कुमार को जब कॉल आउट किया गया था फॉर विमल इलायची, उस कॉन्ट्रोवर्सी के दौरान उन्होंने लोगों का फीडबैक लिया एंड एक स्टेटमेंट भी डाला कि आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे। बट ऐसे भी कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे पान मसाला के एड में वो दिखेंगे ही। अजय देवगन एसआर के अभी टाइगर श्रॉफ इज ऑल्सो डूइंग इट एंड ऐश्वर्या राय को तो ना अभी 20 साल से ज्यादा हो गए लॉरियल के साथ। जब शी स्टार्टेड विद दिस ब्रांड तब तो और भी ज्यादा अनएथिकल प्रैक्टिसेस ये ब्रांड में होते थे एंड उस एरा में कोई ऐसे टॉपिक्स उठाता भी नहीं था, जिस वजह से कई साल तक ये ब्रांड ने अपने क्रुएल्टी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रखे। इंडिया में ऐश्वर्या राय जब से लॉरियल की फेस बनी है तब से ये ब्रांड को ना काफी एक्सपोजर मिला है। एंड कभी सर्च करना आप एनिमल टेस्टिंग के बारे में, यू विल सी कि कैसे इनोसेंट एनिमल्स की बॉडी में ना चीजें इंजेक्ट की जाती है, आंखों में वो फॉर्मुलेशन डाला जाता है जस्ट टू टेस्ट इट। ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में तो ना अननेसेसरली ये हो रहा है। अभी तो बोटॉक्स का भी काफी ज्यादा ट्रेंड आ गया है, बोटॉक्स जो होता है ना उसको भी एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है। एक वक्त तक ना बोटॉक्स मेडिकल इश्यूज के लिए यूज होता था, बट अभी तो यंग दिखने के लिए इतना ज्यादा इसका कंजम्पशन होने लगा है। साइड बाय साइड जो क्रुएल्टी है ना वो भी कंटिन्यू हो रहा है। ऑल्सो सम ऑफ यू मे कमेंट कि यहाँ पे क्रुएल्टी हो रहा है तो क्या हुआ, दूसरे इंडस्ट्रीज एंड कैटेगरीज में भी कॉन्स्टेंटली क्रुएल्टी देखने मिलता है। इन शॉर्ट उनका पॉइंट ये होता है कि ये तो सब जगह हो रहा है, तो अंडरस्टैंड दिस कि सब जगह हो रहा है ऐसा बोल के ना हम गलत चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। देर आर मेनी इंडस्ट्रीज जहाँ पे ऐसी गलत चीजें हो रही है, बट सिंगल वीडियो में सारी इश्यूज के बारे में डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो इसको ना जनरली डिविएशन टैक्टिक बोलते हैं, जो लोग यूज करते हैं अटेम्प्ट्स टू जस्टिफाई रॉन्ग एक्शंस, दूसरे इशू को पुश करेंगे कि ये इशू के बारे में बात कर रहे हो तो इस पे भी बात करो। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, पेरिस फैशन वीक में जो ऐश्वर्या राय का लुक था उसको देखने के बाद कई लोगों ने ये कॉमेंट करना शुरू कर दिया था कि जो भी ऐश्वर्या का हेयर स्टाइलिस्ट था उन्होंने उनके साथ गलत किया। बट ये जो लुक देखने मिल रहा था ना तब ऐश्वर्या रेडी हो रही थी, जस्ट शो के पहले मोस्टली रिहर्सल्स हो रहा था एंड हेयर स्टाइलिंग कम्प्लीट नहीं हुआ था। देन नव्या नवेली जो है ना उसको भी हेट मिल रहा था बिकॉज आलिया भट्ट के पोस्ट के नीचे उनको सपोर्ट करते हुए नव्या ने कमेंट किया था, तो कई लोग ये लिख रहे थे कि वो ऐश्वर्या को सपोर्ट क्यों नहीं दिखा। अभी नव्या जो है ना वो ऐश्वर्या और आलिया भट्ट दोनों से रिलेटेड है, ऐश्वर्या राय का कनेक्शन तो वी नो, बट आलिया भट्ट जो है ना वो नव्या नवेली के डैड के साइड से रिलेटिव है बिकॉज रणबीर कपूर जो है ना वो नव्या के डैड के कजिन है। पर अभी इट इज वेरी ऑब्वियस कि बच्चन फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एंड श्वेता बच्चन को प्रॉब्लम्स है ऐश्वर्या के साथ, तो नव्या नवेली अपने मॉम के अगेंस्ट जाके ऐश्वर्या को सपोर्ट नहीं दिखाएगी बिकॉज ऑब्वियसली वो अपने मॉम को प्रायोरिटी देगी। ये केस में लग नहीं रहा कि उसने कुछ गलत किया है। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि celebrities animal welfare की बात करते हैं but then ऐसे brands को promote करते हैं जिनको सालों से call out किया जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? And if you want you can follow us on Instagram जिसका link आपको description में मिल जाएगा। और ये video अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।